अब हम देखते हैं कि जो असदी अफराद लियो जो हैं, ख्वातीन हैं, हजरात हैं, मेल या फीमेल, उनके लिए 2024 जो है करियर का क्या पैगाम लेके आ रहा है। लियो अफराद जो हैं करियर के हिसाब से आप समझ लीजिए कि 2024 जो है आपके बेहतरीन सालों में से इंशाल्लाह एक साल होगा, और इसमें खासतौर पे जो लोग नया करियर अपना शुरू कर रहे हैं उनके लिए, किसी भी फील्ड में हैं वो, खास तौर पे जो लोग गवर्नमेंट सर्विस में आएंगे उनके लिए ये साल जो है ये बेहतरीन साल है, लियो वाले जो ख्वातीन और हजरात हैं। इसके अलावा जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड लियो अफराद हैं, अगर वो अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं 2024 में, उनके लिए एक अच्छा लास्टिंग करियर है। इसके अलावा जो जॉब्स तब्दील करना चाह रहे हैं लियो अफराद, ख्वातीन हैं, हजरात हैं, तो उनके लिए जो टाइम है वो वही है मार्च से लेकर आप समझ लीजिए अक्टूबर तक का जो टाइम है वो बेस्ट टाइम है। उसमें जो बैरून मुल्क मुलाजमत चाह रहे हैं उनके लिए भी बेहतरीन वक्त है इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो लोग अंदरून मुल्क अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, बैरून मुल्क स्टार्ट करें, मार्च से अक्टूबर की 20 तारीख तक जो है वो आपका करियर की फॉर्मेशन का, एडवांसमेंट का, आपकी इंक्रीमेंट्स का, एप्रिसिएशंस का ये टाइम है, और इससे आपने भरपूर बेनिफिट जो है वो लेना है। किसी जगह पे आपने अपने करियर की मूव के लिए सुस्ती जो है वो नहीं करनी, जहां पे आप समझते हैं कि बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको नजर आ रही है डेफिनेटली बंदा वही करता है, मगर लियो अफराद को 2024 में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से अता होंगी, उनका फायदा उठाइएगा। अब हम ये देखते हैं कि जो असदी अफराद हैं लियो जो हैं उनके लिए जो एजुकेशन से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, इमिग्रेशन से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके लिए 2024 क्या पैगाम देता है। देखिए मैंने अर्ज किया कि जो ट्रैवलिंग की अपॉर्चुनिटीज हैं, जो अपने काम मुलाजमत के सिलसिले में जा रहे हैं, वो तो मैंने डेट्स आपको बताई। इमिग्रेशन के लिए आपको ये देखना है कि साल के पहले 3 माह जो हैं, जो लोग इमिग्रेशन करना चाह रहे हैं वो जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 माह में असदी अफराद कोशिश करें इमिग्रेशन के लिए, तो पॉजिटिव रिजल्ट्स अल्लाह की मेहरबानी से आते हैं इंशाल्लाह। रीजन उसका ये है कि मरीख जो है, शम्स और मुश्तरी, 3 जो हैं बड़े प्लैनेट्स, उनकी आपस में जो एस्पेक्ट्स हैं वो पॉजिटिव हैं ट्रेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, खास तौर पे जब आप इमिग्रेशन के लिए सोचते हैं। उसके बाद जब आप साल का आप एंड लेते हैं, लास्ट क्वार्टर, वो आ जाता है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने भी जो हैं ये बड़े कंड्यूसिव हैं, बड़े पॉजिटिव हैं इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, यही महीने जो हैं आप जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो अपनी एजुकेशन के लिए प्लानिंग करना चाह रहे हैं फॉरेन ट्रेवल के लिए, तो ये पहले 3 महीने और आखिरी 3 महीने 2024 के, खास तौर पे फॉरेन ट्रेवल से रिलेटेड इमिग्रेशन और एजुकेशन, हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनके लिए ये बेस्ट हैं। उसका रीजन जो है वो यही है कि मार्स, जुपिटर और सन की जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, वो अल्लाह की मेहरबानी से आपको इस तरह की एनर्जी प्रोवाइड करेंगी कि आप अपने ट्रेवल को और एजुकेशन को बेहतर तरीके से इन मंथ्स में प्लान कर सकेंगे इंशाल्लाह जी। अब देखते हैं कि जो असदी अफराद हैं यानी लियो वाले लोग, ख्वातीन हैं या हजरात, उनके सेहत के मामलात जो हैं वो 2024 में कैसे नजर आते हैं। कैलकुलेशन है, अल्लाह ताला बेहतरीन जानने वाला है, मगर ये इल्म है, इसके जरिए मैं अर्ज करता हूं कि 21 मार्च सन 2024 से लेकर आप समझ लीजिए ये जो साल का एंड हो जाएगा ईस्वी कैलेंडर का 30 दिसंबर तक, ये टाइम जो है हेल्थ की तरफ से आप समझ लीजिए कि अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट करने का टाइम नहीं है। इसमें इस टाइम में आपको अपने चेकअप्स, अपनी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, खास तौर पे जो अफराद 35-36 साल से ज्यादा एज के हैं लियो, उनको चाहिए कि अपने हेल्थ से रिलेटेड जो टेस्ट्स हैं वो, अगर थोड़ा सा भी डाउट आपको आ रहा है ब्लड प्रेशर का, कोलेस्ट्रॉल का, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड इश्यूज का, यूरिक एसिड का, तो आप अपने टेस्ट जो हैं वो फौरी तौर पे करवाइए,
क्योंकि ये अरसा जो मैंने आपको अर्ज किया ये थोड़ा सा हेल्थ से रिलेटेड मामलात को एड्रेस करने का है, और अपनी जो डाइट है उसका प्रॉपर आप ख्याल रखें, वर्जिश है, उसके अलावा पॉजिटिव थिंकिंग है, उस तक मतलब इस चीज़ों को, इन चीज़ों को अपनाइए, और हेल्थ जो है वो फिर एज सच आपकी जिस तरीके से प्लैनेट्स आपके जा रहे हैं इफेक्ट करने, आप अपने मतलब तरीक़ाकार को चेंज कर लेते हैं, एहतियाती तदाबीर कर लेते हैं, तो फिर ये चीज़ जो है ये अल्लाह ताला की मेहरबानी से बेहतरी की तरफ चली जाएगी इंशाल्लाह। अब देखते हैं कि जो बुर्ज असद वाले हैं, ख्वातीन भी और हजरात भी, यानी मेल और फीमेल दोनों के लिए 2024 जो है वो रिश्तों के एतबार से, यानी शादी, मंगनी, निकाह, इसके हिसाब से किस तरह का रहता हुआ नजर आता है। देखिए, आपका हाकिम सयारा जो है शम्स है, सन, तो आसमान पे उसकी पोजीशन अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में और अगस्त में बड़ी पॉजिटिव जो है वो इंशाल्लाह होगी। बड़ा मतलब पॉजिटिव उसके एस्पेक्ट्स जो हैं वो मुख्तलिफ आपके जो घर हैं उनके ऊपर आते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह। और मुश्तरी और शम्स की जो है पॉजिटिविटी, यानी जुपिटर और सन की जो पॉजिटिविटी है वो मिल जाएगी जोहल, क्योंकि याद रखिए ये 8 नंबर है और जोहल का नंबर है। जोहल जो है वो 30 साल के बाद आपके 7वें घर में, यानी जो पार्टनरशिप का घर होता है, लाइफ पार्टनरशिप का घर, शादी का जो घर है, उसमें अरूज याफ्ता होगा। और उसमें ये होगा कि जो लोग, जिन लोगों के रिश्ते पेंडिंग हैं, देरीना मतलब वो उनकी ख्वाहिश है कि कहीं प्रॉपर तरीके से पसंद की शादी हो जाए या कोई मुनासिब जगह पर रिश्ता जो है वो तय हो ख्वातीन का, हजरात का, तो उसके लिए ये टाइम जो है मैंने अर्ज किया है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये जो है ये महीने आपके रिश्ता तय होने के अच्छी जगह पे इंशाल्लाह वो महीने हैं। और ये दिन में रखिएगा कि 2024 में जिन असदी ख्वातीन हजरात की शादी इंशाल्लाह होगी उनको एक बड़ा मतलब वेल सेटल्ड जो है लाइफ पार्टनर मिलेगा, चाहे वेल एजुकेटेड आप कह लें उसको, ख्वातीन ज़ाहिर मर्द हजरात जिनकी शादियां हो रही हैं उनको अच्छी ख्वातीन, अच्छी जो फीमेल पार्टनर्स हैं वो करियर के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, मिजाज के हिसाब से अच्छे, अच्छी लाइफ पार्टनर्स उनको मिलती नजर आती हैं। इसी तरह जो असदी ख्वातीन हैं उनको 2024 में ये जो माह मैंने आपको बताए हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, इसमें जब रिश्ते तय होते हैं इंशाल्लाह, तो आपको, ख्वातीन के लिए मैं बात कर रहा हूँ, आपको भी बहुत वेल सेटल्ड, वेल एजुकेटेड, वेल मैनर्ड किस्म के जो मर्द हजरात हैं वो आपके ज़िंदगी के साथी आपको बनते हुए इंशाल्लाह नजर आएंगे। और अल्लाह ताला की खास जो है ना रहमत, बल्कि रहमतें मैं कहूँगा, वो आप लोगों पर रहेंगी इंशाल्लाह शादी के हवाले से, रिश्तों के हवाले से। जी, अब हम देखते हैं कि सन 2024 में असदी अफराद जो हैं, लियो वाले जो लोग हैं, उनके सफ़र के मामला जो हैं वो कैसे रहते हैं, अंदरून मुल्क और ख़ास तौर पे जो बैरून मुल्क सफ़र हैं उनका जायज़ा लेते हैं एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें 30 मार्च 2024 से लेकर 25 अप्रैल 2024 तक का टाइम जो है वो बड़ा पॉजिटिव टाइम है इंशाल्लाह, इंटरनेशनल आपके ट्रेवल्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो ट्रैवल करना चाह रहे हैं, जो बिजनेस वाले लोग हैं, जो जॉब वाले लोग हैं, असदी अफराद, एक ये टाइम है। उसके बाद 23 मई से 16 जून तक जो है वो टाइम आएगा आपका इंशाल्लाह सफ़र के हिसाब से बेहतरीन टाइम्स मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद 14 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक जो है ये टाइम जो है, ये तीन बड़े मौके आएंगे जिसमें इंटरनेशनल ट्रैवलिंग जो हैं वो असदी अफराद की होती हुई नजर आती हैं। और इसकी एक बड़ी रीज़न जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो प्लैनेट जुपिटर है वो 12 साल के बाद आपके बैतुल सफ़र के अंदर जो है वो अरूज याफ्ता हालत में आता हुआ नजर आता है, और ये आएगा तकरीबन आप समझ लीजिए 30 जून से ऑनवर्ड्स। ओवरऑल जो मैंने अक्टूबर तक का टाइम आपको बताया ना, ये उसमें और पावरफुल जो है तरीके से प्लैनेट्स जो हैं वो आपके सफ़र के लगने शुरू होंगे। तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, 30 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक का टाइम जो है,
और उसके बाद 23 मई से लेके 16 जून तक का टाइम जो है, और 14 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर का जो टाइम है वो बेहतरीन टाइम है 2024 में असदी अफराद के सफर के हवाले से। वाक्य जो है अल्लाह ताला आपको अता फरमाएगा इंशाल्लाह। जी नाजरीन, जानते हैं कि बुर्ज असद जो है उसका 2024 माली मामलात के हिसाब से कैसा रहेगा। तो यहाँ पे मैं अर्ज करूंगा कि बैतुल माल का हाकिम सैयारा जो है अतारत मरकरी जिसको कहते हैं, वो 7 और 8 जनवरी का टाइम होगा, वहां से लेकर 2 या 3 फरवरी तक जो है तब, और फिर 8 मार्च से लेकर 26 मार्च तक जो है वो रहेगा। आप समझ लें कि वो रेट्रोग्रेडेशन में रहेगा, वबाल याफ्ता रहेगा। उसकी वजह से इस टाइम पीरियड में जो नागहानी अखराजात हैं वो आपको पेश आ सकते हैं, उसके बाद जो है वो आपको रिलीफ मिलता हुआ नजर आता है इंशाल्लाह। और वो टाइम है 1 मई से आएगा 15 मई तक का टाइम इंशाल्लाह, और ये जाएगा तकरीबन आप समझ लीजिए 2025 तक। 1 से 15 मई के दरमियान प्लैनेट्स जो हैं आपके वो इस हिसाब से अरेंज हो जाएंगे इंशाल्लाह कि 2025 का जो मई है वहां तक जाके आपको गाहे बगाहे अच्छे खासे जो हैं माली मामला आपके अल्लाह की मेहरबानी से वो ठीक रहते हुए नजर आते हैं। और वो उसके अंदर ये होगा कि कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो हैं साध नजर से अच्छी नजर से देख रहे होंगे आपके इस प्लैनेट को। अच्छा, इसके बाद जो है जून का महीना 2024 के अंदर इस तरह का आ सकता है कि जिसमें आपको एडिशनल इनकम वाला जो मामला है वो पेश आए, यानी जो लोग इनाम हासिल करते हैं लॉटरीज के साथ जो अटैच्ड हैं, जो लोग प्राइस बॉन्ड्स लेते हैं, ये उनके लिए जो टाइम है ये बहुत अच्छा टाइम है। ये आएगा तकरीबन आप समझ लीजिए 15 जून से 30 जून तक का जो टाइम है, इसको ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद फिर ओवरऑल जो टाइम पीरियड है वो आपका 2025 तक जो है इंशाल्लाह माली लिहाज से मई 2025 तक, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा कि 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2024 तक प्लैनेट्स माल के इस तरह के लगने शुरू होंगे, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आते जाएंगे कि वो अगले साल मई तक जो है मई 2025 तक आपको माली फवायद देते हुए अल्लाह के हुक्म से नजर आएंगे। अब हम ये देखते हैं कि जो लियो से रिलेटेड हाउसवाइफ्स हैं, हमारी जो ख्वातीन हैं जो हाउसवाइफ्स हैं, मतलब अपने बच्चों को देख रही हैं, अपनी फैमिली को देख रही हैं, उनके लिए 2024 जो है वो कैसा है। मैंने जो हेल्थ का सेगमेंट आपके साथ किया उसके अंदर मैंने आपको ये अर्ज किया था कि अपने जो हेल्थ के इश्यूज हैं उनका ख्याल रखना है आपने। मैंने आपको बताया है कि ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, या इससे रिलेटेड ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनका ख्याल रखिए। हाउसवाइफ्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और अच्छी जो चीज़ है वो ये है कि बैरून मुल्क से जो आपके अजीज अकारब हैं वो आपको विजिट करते हुए 2024 में नजर आते हैं, और जो बच्चे और बच्चियां आपके अगर आप मैरिड हैं तो आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं, जाहिर है आप हाउसवाइफ हैं तो मैरिड तो हैं, आपके बच्चे जो बैरून मुल्क मुकीम हैं और आप उनके रिश्तों के लिए परेशान हैं, तो ये 2024 जो है ये यकीन रखिए अल्लाह की ज़ात पे कि वो सोच और फिक्र जो है ना आपकी बच्चों के रिश्तों से रिलेटेड, बच्चियों के रिश्तों से रिलेटेड जो बैरून मुल्क मुकीम है वो अल्लाह ताला जो है वो दूर फरमाएगा इंशाल्लाह। और वो बच्चे और बच्चियां जो आपसे दूर हैं या आपके पास भी हैं इवन, उनके रिश्ते जो हैं वो आपको इंशाल्लाह अच्छी जगह पे होते हुए नजर आएंगे, और उनको लाइफ पार्टनर्स भी जो हैं इंशाल्लाह वो बहुत अच्छे वेल सेटल्ड जो लाइफ पार्टनर्स हैं वो मिलते हुए नजर आएंगे। तो ये खुशी की चीज़ है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए, और ज़ाहिर है उसी का शुक्र आपने अदा करना है, हमने अदा करना है, तो ज़िंदगी का मामला चलता रहेगा। इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि आप इस साल में ना 2024 में हाउसवाइफ जो हैं
खासी बिजी बिजी जाहिर है, मेहमान आ रहे हैं, बच्चों के लिए रिश्तों का मामला हो रहा है, तो बिजी रहती हुई नजर आएंगी। और अल्लाह ताला से दुआ यही है कि मामला अल्लाह ताला आपके खैर खैरियत वाले जो है वो रखे, और हर तरफ अल्लाह ताला जो है वो अपनी रहमत रखे।